हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आउटलुक ऑन लाइफ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी तीज प्रिपरेशन। सो हम लोगों की तीज आने वाली है, इट इज़ कॉल्ड एज हरतालिका तीज एंड ये है 21st of August को। सो मैंने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मेरी पूरी हो चुकी है। सो मैंने क्या प्रिपेयर किया है आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो एंड ऑल्सो आप लोगों को लग रहा होगा इसका बैकग्राउंड चेंज क्यों है। सो येस, मैं अपने मम्मी पापा के घर आई हुई हूँ। पुणे में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पीरियड में अपने घर चले जाएँ, तो हम लोग अपने घर आ चुके हैं। सो मैं रायपुर आई हुई हूँ। सो आपको अब जितने वीडियोज़ मेरे आएंगे तो उनमें आगे पीछे मतलब बैकग्राउंड हमेशा चेंज मिलेगा, या फिर मैं यहीं शूट करूँगी तो आपको यही बैकग्राउंड मिलेगा। सो या दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। सो दिस इज़ माय साड़ी जिसको मैंने चूज़ किया है तीज में पहनने के लिए। एंड अभी तक तो ये प्रिपेयर नहीं हुई है क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू साड़ी है। मम्मा पापा अहमदाबाद गए थे तो लाए थे, आई गेस फैब में गए थे वो। एंड इसको मैंने बचा के रखे थे कि मैं इसको तीज में पहनूंगी। एंड देख सकते कितनी प्यारी साड़ी है, प्योर सिल्क की साड़ी है एंड मरून और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में है। जो मरून दिख रहा है ये इसका पल्ला है, बाकी पूरी साड़ी जो है ग्रीन है। इसके साथ मैंने बैंगल्स भी तैयार कर लिए हैं, कुछ ग्रीन रेड गोल्डन के शेड में दोनों हाथ के, कुछ इस टाइप से मैंने बैंगल्स भी रेडी करके रख लिए हैं, यू कैन सी। एंड दो नेल पेंट भी मैंने रख रखे हैं, ग्रीन और रेड, उसको भी मैं लगाऊंगी। सो उसके अलावा फिर मैंने ली है ये मेहंदी जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है लगाना। ये फुल कोन लिया था मैंने, फुल जो 10 और 12 का आता है, गैस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो पूरा 12 का सेट आता है यही ले लिया है मैंने, क्योंकि ये तो लगती रहती है और मेहंदी ख़राब होती भी नहीं है। एंड टाइम ऐसा है हम वैसे ही नहीं जा पा रहे हैं, तो जब मैं राखी में गई थी तो मैं ले आई थी, इसके 4 पीसेस जो हैं वो राखी में यूज़ हो चुके हैं। सो नेक्स्ट ये है। इसके अलावा मैंने लिया हुआ है ये आलता, इससे हमारे पैर जो हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एंड फेस्टिवल्स में, त्यौहार में, पूजा पाठ में इसको लगाना चाहिए। सो नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है आलता, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लगाने में। सो ये भी मैंने ले चुकी हूँ। उसके अलावा मेरे पास कुछ बहुत सारी बिंदियाँ हैं, सो आई एम कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या लगाने वाली हूँ। ये है, ये है, ये मेरे पास पूरा ये एल्बम है कलरफुल बिंदियों का, दिस वन, और ये कुछ फैंसी में भी हैं लाइक दिस, ये सब कुछ। एंड ये सारी भी जो है वो साइज़ के हिसाब से जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे 11 है तो ये बड़ा है और 13 है तो ये छोटा है, 12 इन दोनों के बीच का आएगा, तो ये वाली जो है इस हिसाब से मिलती हैं। एंड ये भी मैंने मल्टी कलर ली हुई है एंड ये रेड में भी है। बट मैं सोच रही हूँ साड़ी के साथ, एथनिक वेयर के साथ है ना, प्लेन बिंदी ज़्यादा अच्छी लगेगी और थोड़ी सी बड़ी साइज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ये 11 नंबर लगाऊंगी मेरी ग्रीन साड़ी के साथ के लिए। सो 11, या तो फिर मैं ग्रीन और मेरा मरून के शेड में इन दोनों को मिक्स करके लगा लूँ। सो चलो बिंदी भी हो गई है, मैं 11 और 13 को ही यूज़ करूँगी, या फिर सिंगल कलर करूँगी तो फिर मैं 11 ही लूँगी, क्योंकि एथनिक वेयर में साड़ीज़ में थोड़ी सी बड़ी साइज़ की ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं 11 वाला लूँगी। किन्सी कितनी ज़्यादा प्रिटी है, सारे कलर्स बहुत प्यारे हैं। एंड अब बारी है कि मैं उसके साथ ज्वेलरी क्या पहनूंगी। सो कुछ पाउचेज हैं जो मैं लेके आई हूँ, मैं साड़ी तो नहीं लेकर के आई, मैं बस कुछ कुछ लेकर के आई हूँ, तो देख लेती हूँ उनमें से कौन सी है जो मेरी साड़ी के साथ जाएगी। सो मैं इनको कुछ ऐसे स्टोर करती हूँ। ये है मेरा वोइला का सेट, मैंने वोइला से लिया था ये, एंड ये भी काफ़ी प्रिटी है, ये पहन सकती हूँ, या फिर ये चोकर टाइप का भी अच्छा लगेगा, इसके साथ हूप्स है तो मैं शायद इयर रिंग्स को चेंज कर लूँगी, ये भी पहन सकती हूँ। एंड ये कर्धन है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है साड़ी के साथ पहनने के लिए, इसलिए मैं इसको ले आई थी, सो ये भी पहनूँगी।
सो ये है मेरी गर्दन और ये बहुत अच्छी लगती है साड़ी के साथ, और उसमें भी गोल्डन है तो मैं इसको ज़रूर पहनूंगी। तो मैं इसको भी अपने साथ ले आई थी, यू कैन सी कितनी सुंदर है। सो ये गर्दन पहनने वाली हूँ एंड चोकर में ये भी है, बट ये सिल्वर कलर है तो आई डोंट थिंक ये जाएगा। सो ये है वो सेट जो मैंने वोइला से लिया था एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, सो आई थिंक मैं इसको ही पहनने वाली हूँ। एंड ये है इसके इयररिंग्स। सो ये है मेरी ज्वेलरी, ये है वो सेट एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये मैंने मॉल से ख़रीदा था, वोइला के जो स्टॉल्स लगे रहते हैं उससे लिया था, बट इसका लिंक मेरे पास नहीं है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आप वोइला के स्टोर से या फिर ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका सब जगह पे अवेलेबल है। आप कहीं से भी यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा प्रिटी से छोटी छोटी सी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वैसे ही भूले ना, इसलिए मैं सब कुछ एक साथ करके तैयार करके रख ले रही हूँ। ये मैंने लिए साड़ी पिन। सो यदि आपके आसपास भी ऐसी वाली मिले ना, तो आई सजेस्ट यू कि आप ज़रूर लेना। इससे क्या होता है, साड़ियाँ फंसती नहीं है। देखो ये मोती वाली साड़ी पिन के नाम से मिलती हैं, इधर देख सकते हैं आप, इसमें मोती लगा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या है ना, ये आपकी साड़ियों में फंसती नहीं है। सो ये वाली साड़ी पिन जो है वो बेस्ट होती है। एंड ये है आई गेस कुछ 70 रुपीज़ की है, तो बट वर्थ है। इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे आप देख सकते हैं गोल्डन है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। सो ये मस्त चीज़ है एंड आई सजेस्ट यू कि मेरे रिकमेंडेशन पे इस टाइप के पेन आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इनसे जो है ना, हमारी साड़ियाँ बहुत महंगी महंगी हम साड़ियाँ पहनते हैं, कई बार फंस जाती हैं और वो उसमें होल कर देती हैं, तो ये जो ऐसी वाली पिंस है ना, इस बहुत सेफ रहती है, इनकी वजह से कुछ भी आपकी साड़ी फंसती नहीं है। एंड ये मुझे मम्मी ने गिफ्ट किया है, ये है साड़ी पिन। सो फैंसी वाली साड़ी पिन है, सो इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि मैं पहनूंगी तो मैं इसको भी लगा सकती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, कैन सी ना। सो या दैट्स इट, इतनी सारी चीज़ें एज ऑफ नाउ तक तो मेरी सारी तैयार हो चुकी हैं। सो या गाइज, ये था आज का वीडियो, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने प्रिपेयर करी है मेरे तीज के लिए। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि हेल्पफुल रहता है और आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय।